रोज की तरह अनुलेखन ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज उत्तराखंड रामचरित मानस के उत्तराखंड के प्रसंग की बात होगी। उससे पहले दोस्तों, आज के पंचांग सूक्ष्म पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 23 जुलाई 2024 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि यानी द्वितीया तिथि दिन मंगलवार, द्वितीया तिथि दोस्तों मंगलवार आज सुबह 10:24 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। आज ही दोस्तों 2:36 पर आयुष्मान योग रहेगा और रात 8:08 तक घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 5:03 तक है दोस्तों, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का शुभारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज धनु राशि में प्रवेश करेंगे रात 10:48 तक और फिर मकर राशि में चले जाएंगे। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:56 से 12:51 तक। आज का अमृतकाल 10:47 से 12:15 तक। और आज के ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:21 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। राहु काल दोस्तों आज 5:38 से 7:22 तक किसी प्रकार के भी शुभ कार्यों से करना वर्जित माना गया है। आज मंगलवार के दिन के अवसर पर दोस्तों पश्चिम दिशा शूल है, पश्चिम दिशा में जाना शुभ मंगलकारी नहीं होता है। सूर्योदय की बात करें तो आज 5:38 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त 7:17 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग की के भाव हैं। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार मंगल ग्रह और हनुमान जी को समर्पित कराता है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जही जगत गुरारी दीन दयाल विश्वभारी हरो ना सुन गढ़ारी। मंगल की प्रकृति दोस्तों उग्र होती है और यह दिन हनुमान जी को और मंगल ग्रह को मांगलिक कार्यों को के संबंध में ज्योतिष विद्या के अनुसार मेष व वृश्चिक राशि को का स्वामी मंगल कहलाता है। इनका बार भी यही है, मंगल ही बार है दोस्तों। तो कुंडली में दोस्तों मंगल की अच्छी स्थिति भाई मित्र और रिश्तेदारों से मधुर संबंध, अच्छे संबंध रहते हैं और जातक उच्च पद पर आसीन रहता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार है दोस्तों। यह ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है। यह दिन शक्ति के संचार का स्वरूप है और यात्रा है, शासन भाव है और विवाह के लिए यह दिन शुभ माना जाता है, शुभ योग। और मंगल का अर्थ शुभ या कुशलता का द्योतक होता है। हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी को दीपक जला करके उनकी पूजा पाठ करना और माता
यानी इस दिन हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और भोग सुंदरकांड का पाठ करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके अनेक बाधाओं से मुक्ति और मंगल कामनाओं के स्वरूप हनुमान जी का विधि विधान के साथ पूजा अर्पणा और मंगलवार का व्रत करने से अनेक प्रकार के शुभता का और शक्ति का संचार हमारे जीवन में होता है। मंगलवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं वह चंचल प्रकृति के होते हैं, वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और मंगलवार को देखो हनुमान जी को चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और यह शुभ माना जाता है, सुख समृद्धि का द्योतक है। मंगलवार को दोस्तों ख़ास तौर से बाल कटवाना और नाखून काटना वर्जित माना गया है, क्रोध से बचना चाहिए। मंगलवार को बेसन के लड्डू और फलों का सेवन करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा शक्तिशाली और बुरी शक्तियों का अंत करने के और समृद्धि के कल्याण के रूप में माना जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल दसौ जो दाय फलचार, बुद्धिहीन तन जान की सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या आदि हुई हरम गणेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंधु उजागर, राम दूत अतुलित बल्लामा, अन्य पुत्र पवन सुखनामा। तो मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के लिए, पवित्र करने के लिए श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन हनुमान जी हमेशा करते रहे हैं और अष्ट सिद्धि नौ निष्क्रिय दाता अजवज में जानकी माता, राम रसायन दुमने पासा, सदा रहु रखकर के दासा। और रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करते हैं जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्षी को देने वाले हैं, उनके लिए हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं और निरंतर हनुमान जी का जाप करने से ओम हं हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते, यह हनुमान जी का बीज मंत्र है। नाशय रोग हरे सबीरा, जबन निरंतर हनुमत बलबीरा, अष्ट सिद्धि नौ निष्क्रिय दाता अश्वजी में जानकी माता, हनुमान तेहि परसा कर बुनि की प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि काम विश्राम। तो हनुमान जी के अंतःकरण में रामदूत हनुमान जी जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की का आशीर्वाद प्राप्त करना। तो हनुमान के बिना राम नहीं है, राम ने मिलाई हनुमान के बिना, हनुमान ने मिलाई श्री राम के बिना। तो विद्यावान गुणी चातुर राम काज कर भी को आदुर, प्रभु चरित सुन भी को रसिया, राम लग्न सीता बन बसिया। तो भीम रूप धरे असुर सहारी, सिया राम की का सहारी, लाई सजीवन लखन जी आई, श्री रघुनाथ हर्ष लाई। तो इस प्रकार दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगलवार को शुचिता और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। तो इस कठिन काल कलुष हरो मम कठिन काल कलुष कलेश महा मोह निशी दलन
दिनेशु सकल विघ्न व्यापहि नहीं ते ही। यानी हनुमान जी जो है मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के लिए पवित्र करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को की प्राप्ति करने वाले हैं देने वाले हैं। इस प्रकार हनुमान मंगलवार को हनुमान जी की स्तुति पूजा पाठ और मंगलवार के व्रत के दिन दोस्तों लोहे के बर्तनों में भोजन पका के नहीं खाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। और मंगल का व्रत जो है पूर्ण श्रद्धा और के भाव से करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे हैं, हमेशा सात्विक भोजन करके अपने जीवन को निश्चितार्थ किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और महान शक्ति के स्वरूप के रूप में वह विराजमान है इस सृष्टि में। दोस्तों हनुमान जी और शनिदेव का कलयुग के देवता के रूप में हनुमान जी माने जाते हैं। सृष्टि में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी का इस संसार में अवतरण अवश्य रहेगा, ऐसा हमारी नीति कहती है, वेद शास्त्र करते हैं, हमारे धर्म मर्यादित लोग इस प्रकार की गणना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को हमेशा अमृतत्व का प्रदान किया और स्वयं को जल समाधि लेकर के मानव अवतार को त्याग करके ब्रह्म स्वरूप में चले गए, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। और इसी अनुसार हम मंगलवार को भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदर कांडों का पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन में अपार अपार शक्ति का संचार होता है। दोस्तों रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में उत्तरकांड का प्रसंग इसमें चल रहा है, तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने उत्तरकांड के प्रसंग में था कि दोस्तों कौशल्या के चरणनी पुण्यतिन नायु मात आशीष दीने हरस्तु मम प्रिय मम जिम्मे रघुनाथ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जो उनके साथी थे उनके आज्ञाकारी थे और उनके शरण में जो रहते थे हनुमान हैं, अंगद हैं, विभीषण हैं और सुग्रीव हैं, सबको सभी ने जो है कौशल्या जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभु के वचन सुनकर भगवान राम ने उनको बुलाया, जब वो अयोध्या में प्रवेश किए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी माँ की स्नेह और दुलार की अनुभूति की, तो प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए और इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख के भावों का संचार हुआ। तो फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया और कौशल्या जी को हर्षित होकर उनको आशीष दी और कहा कि तुम मेरे रघुनाथ के समान प्यारे हो। और आनंद कंद श्री राम जी ने अपने महल को चले गए, आकाश में फूलों की वृष्टि होने लगी और नगर में स्त्री पुरुषों के समूह अटारी वहाँ पर चढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के। इस प्रकार दोस्तों यानी लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी माता को देख रही हैं, उनका मन परमानंद और में मग्न है और शरीर बार बार पुलकायमान हो रहा है उनकी छटा को देख करके। लंकापति विभीषण वानर राज सुग्रीव नल और नील माल्यवंत जामवंत हैं और अंगद आदि हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव और वीर बांधों के मनुष्य के मनोहर शरीर धारण किए हुए हैं। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव और त्याग और व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं
और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण इस प्रकार की भावनी रीति को देखकर सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम सराहना कर रहे हैं। तो फिर रघुनाथ जी सब सखाओं को बुलाया, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागू सकल सिखाए। और उन्होंने सबको बुला करके मुनि के चरणों में जो उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी उन्हीं का यानी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी सखा जो उनके थे उनको एक एक करके बुलाया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और उनसे कहा कि ये हमारे गुरु वशिष्ठ जो है हमारे पूज्य देव हैं और कुलगुरु हैं, और इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस का जो मैंने वध किया ये मेरे पास गुरु जी का आशीर्वाद था। तो अपने सखाओं को अपने जो साथी थे उनको इस प्रकार के भावों से उनको बता रहे हैं, और सभी सखाओं को वो अपनी बातों से अवगत करा रहे थे। ए सखा ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, और मुनि से भी कहते हैं एक यानी दोनों का आपस में एक दूसरे को मिला रहे हैं और गुरु को के बारे में बता रहे हैं और अपने सखाओं के बारे में बता रहे हैं। ए सब सखा सुनो मुनि मेरे भये समर सागर हम पेरे, यानी गुरु फिर गुरु जी ने कहा कि ये मुनि सुनिए ये सब मेरे सखा हैं। गुरु से वह कहते हैं ये संग्राम में समुद्र और संग्राम रूपी समुद्र में जो है मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए, और मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक को हार दिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी, अर्थात ये मुझे भरत से भी ज़्यादा प्रिय हैं। इन्होंने मेरे बातों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सुनी प्रभु वचन मगन सब भाई परमात्मा के ऐसे वचनों को सुनकर के सब लोगों ने अपार हर्ष की अनुभूति की, निमिष निमिष उपजस हो गए और इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं, संचार और हर्ष की अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में जी का पुरुषार्थ मैं हमेशा सतत पुरुषार्थ से संपन्न व्यक्तित्व था, और लगातार पुरुषार्थ से व्यक्तित्व को जो मजबूती मिलती है वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबको पुरुषार्थ से मजबूत करते थे। तो व्यक्तित्व हमारे अंतर की आत्मा अभिव्यक्ति है। रामचरितमानस में इस प्रकार का प्रसंग अनेक जगहों पर मिलता है दोस्तों, हम जैसे हैं यह उसका प्रकटीकरण प्रकाशन है। व्यक्तित्व वह प्रकाश पुंज है जिसका शोध हमारे अपने ही अंदर विद्यमान होता है, आंतरिक गुणों और व्यक्तित्व के रूप में प्रकाशित और प्रसारित होते हैं हमारे जो अंतःकरण की भावनाएं होती हैं। और अंतःकरण जितना दोस्तों हमारा परिष्कृत होगा, सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, भावनाएं जो हैं उतना ही हमारी पावन होगी। जिस प्रकार में ज़्यादा उसमें भगवान रामचंद्र की भावनाएं सम भावनाओं से थी, कभी ऊंची स्वभाव से नहीं बोलते थे, उनके बोलने का के भाव बहुत ही मधुर वाणी से बोलते थे, और विचार जिनके उत्कृष्ट होंगे व्यक्तित्व उतना ही प्रखर होगा। ये मानव जीवन की भी संरचना है दोस्तों, एवं ज्योतिर्मय होगा, प्रकाशित होगा। अतः व्यक्तित्व का मापदंड फौलादी चरित्र जैसा होता है अच्छे व्यक्तित्व का, जिसमें किसी प्रकार से कटुता का प्रवेश नहीं होता। तो व्यक्तित्व का मापदंड अगर फौलादी चरित्र जैसा बनाने के लिए परिपक्व चिंतन और भावपूर्ण व्यवहार के आधार पर
तय किया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल था, व्यक्ति का प्रखर व्यक्तित्व समाज के जन संकुल में अलग दिखता है। तो यह उस प्रकाश स्तंभ के समान है दोस्तों, जो स्वयं को ज्योतिर्मय करते हुए और सारी जीवन समुद्र में चलते और चढ़ने वाली जो नौकाएं होती हैं, तो एवं जहाज़ों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करते हैं। यह एक ऐसी वेश कीमती अशेष संपदा है दोस्तों, जो बहुतायत में खर्चने पर भी प्राप्त नहीं होती है और हमेशा संस्थिति रहती है एवं शेष नहीं होता है, होती है। यह अपनी दशा और दिशा का निर्धारण स्वयं करता है। तो यह स्वयं सतपथ पर चलता है तथा अन्य अनेकों को इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। यही रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस प्रकार से अपने सानिध्य में रहे हुए अपने सखाओं का भावों को सृजित किया, तो उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न जो व्यक्ति ऐसे उत्कृष्ट संपन्न व्यक्तित्व को मानव रूप में अवतरित करके असाधारण निर्णय क्षमता लेने की उनकी जो शक्ति थी, या अच्छे बुरे या सत्य असत्य का श्रेय और प्रेय का भेद जानता है और सदा श्रेष्ठ का ही वर्णन करता है। तो इसके लिए दोस्तों हर कीमत चुकाने के लिए वह तैयार रहता है, इसीलिए इसकी अपनी अनोखी मौलिकता होती है। ऐसे स्वभाव के ऐसे व्यक्तित्व की मौलिकता अलग होती है तथा निरालापन इसमें होता है और आत्मबल है, साहस है एवं प्रखरता इनकी मौलिक विशेषता होती है। तो इसी तरह से दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार जो हमारे जानकार हैं विशेषज्ञ हैं, व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसमें स्वतंत्र सत्ता हो, आत्मयोग्यता हो, प्रभाव उत्पादकता हो और श्रेष्ठता के भाव हों और उत्कृष्टता हो। तो चरित्र व चिंतन का समुचित एवं सुंदर समावेश हो, इसीलिए उसमें चुंबकीय आकर्षण होता है, जादुई प्रभाव होता है, एक प्रकार का ऐसा आकर्षण होता है जो हमारे मानव चिंतन को जगाने का कार्य करता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का ऐसा प्रकटीकरण है रामचरितमानस और रामचंद्र के व्यक्तित्व के अनुसार दोस्तों, जो जन्मजात ही इस प्रकार के व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं। इसे अर्जित किया जा सकता है, जन्मजात व्यक्तित्व के धनी तो बिरले ही हो सकते हैं, लेकिन ऐसी संपदा को प्राप्त करने के भावों को संचित प्रत्येक मानव कर सकता है जन्म से ही जब वह व्यक्तित्व संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति अति विलक्षण एवं विशेष प्रतिभा संपन्न होते हैं, इनके विचार एवं चिंतन श्रेष्ठ होते हैं, विचारों में दिव्य तत्व की आत्मा झलकती है, आभा झलकती है और इस प्रकार का प्रकाश झलकता है। तो इस प्रकार के जो हृदय की भावनाएं उनकी संवेदनाओं का आगार उनके अंतःकरण में होता है, तो ये सभी के आत्मीयतापूर्ण व्यवहार का बर्ताव करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य दोस्तों ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के धनी थे
जिन्होंने अपने तपस्वी व्यक्तित्व के बूते जन जन की सुप्त चेतना को झकझोरा एवं निष्प्राण हृदयों में संवेदना का संचार किया। यही भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी, स्वामी विवेकानंद थे, प्रत्येक विचारशील मस्तिष्क में नव चेतना, नव वेदांत की स्थापना करना। छत्रपति शिवाजी जी और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, इन्होंने ऐसे जन्मजात प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व थे जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिनमें आत्मगौरव था, आत्मसम्मान था, देश के प्रति अथाह समर्पण की भावना थी। व्यक्तित्व के यही गुण रामचरितमानस में, अनेक आदर्श चरित्रों में, राम राज्य की स्थापना में जो भरत जी हैं, रामचंद्र जी हैं, सभी भाइयों के चिंतन में इस प्रकार के व्यक्तित्व की छटा मिलती है। तो व्यक्तित्व से ये गुण जन्म से कम ही को मिलते हैं, अधिकतर तो ये स्वयं को तप की जो तपस्या करके साधना की भट्टी में जो है पका करके अपने को पुरुषार्थ के द्वारा गढ़कर बनाना पड़ता है। तो हमारे अंदर पुरुषार्थ रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार के पुरुषार्थ किए, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन हमेशा सार्थक रहा और उन्होंने अनेक प्रकार की कठिनाइयों और विषमताओं के परिवेश में अपने जीवन को यापन करते हुए और विभिन्न प्रकार की अलग अलग परिदशाओं दशाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन अपनी लीलाओं के माध्यम से मानव जीवन को के लिए एक प्रकार के भावों का संचार करने का कार्य किया। तो रामचरितमानस में दोस्तों इन सब बातों का समावेश हमारे व्यक्तित्व के का निर्माण किस प्रकार होता है, महान रचयिता तुलसीदास जी ने मानव जीवन के व्यक्तित्व को उदार और बनाने के लिए प्रेरणा के स्रोत में स्रोत के रूप में बनाने के लिए और इस संसार के भवबंधनों से अनेक प्रकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो भाव प्रक्षित किए, व्याप्त किए, वो आज भी मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत में के रूप में उभरते हैं। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या में वापसी करते हैं, लौटते हैं, तो उनके जो चित्रण है, जो कार्य उन्होंने किया, जिनके माध्यम से किया, किस किस अपने कार्यों का सपने किस प्रकार से निर्वहन किया, इन सब बातों का सचित्र वर्णन किया। कंचन कलश विचित्र संवारी, सबई धरे सज निज निज द्वारे, बंधनवार पताका गेतु सबन बनाए मंगल के। तब आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले गए। सब होने पर अपने सखाओं को अपनी माता से मिलाया, आपस में सुंदर भावों का सृजन किया और एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास किया। आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी और नगर में स्त्री पुरुषों के समूह जो है अट्टालिकाओं पर सब दर्शन करने लगे। तो सोने के कलशों में विचित्र रीति के मणि और रत्नादि से अलंकृत कर सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया और बंधनवार पताका के तो सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताका लगाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आगमन पर अपार खुशी का हर्षोल्लास के साथ जो भाव व्यक्त किए, उसी छटा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रची बहु चौकपुराई, नाना भांत सुमंगल साजी, हरिश नगर निशान बहु पाई। और
सारी रानियाँ जो हैं, सारी जो माताएं थीं, दशरथ जी की रानियाँ थीं, वह और वहाँ की जो प्रजा की स्त्री पुरुष से सब गलियों में सुगंधित द्रव्यों को सिंचाई गई हैं और राजमुक्ताओं से रचकर गजमणि रचि बहु चौक पूरा है। राजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई, नाना भांति सुमंगल साज अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाने गए और हर्ष नगर निशान बहु बाजे, हर्षपुरा नगर में बहुत सी डंके बजे। तो जहाँ तहाँ नार निशावर करही दे अशीष हर्ष उर्वर है, तब जहाँ कहाँ जहाँ कहीं भी स्त्रियाँ दिखती हैं वहाँ वहाँ पर वह निशावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, कंचन थाल आरती नाना और बहुत सी युवतियाँ सौभाग्यवती स्त्रियाँ निकुं सोने की थाली थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर शुभ मंगल करती हैं, करें आरती आरती हर की। रघुकुल कमल विभिन्न दिन करके पुर शोभा संपत्ति कल्याणा निगम से शारदा। और वे आरती और दुखों को हरने वाली हैं और रघुकुल सूर्यकुल के कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले जो सूर्य हैं, रघुकुल कमल विभिन्न दिन करके पुर शोभा संपत्ति कल्याणा श्री रघुनाथ जी की आरती कर रही हैं। और निगम से शारदा बखाना और नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी विस्तार से वर्णन करते हैं। ऐसी छटा का वर्णन विस्तार से सभी लोग मन वचन की का अनुभव करते हैं। तो त्यों सब चरित देख ठगी रहे ही उमा ताश गुण नरक में कहें। तब परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह गए, इस प्रकार की आभा मंडल को देख करके, इस प्रकार के स्वरूप को देख करके वो भी अपने को ऐसा समझ रहे हैं कि हम ठगे जा रहे हैं और स्तंभित हो रहे हैं, आश्चर्य हो रहे हैं। और उमा ताश गुण नरक में कहीं, शिव जी ऐसे प्रसंग कर कहते हैं कि हे उमा तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे सुंदर वर्णन जो इन भगवानों का सुयश का वर्णन चारों दिशाओं में व्याप्त है, तो शिवजी माँ को बताते हैं कि मनुष्य उनके गुणों को कैसे कर सकते हैं। नार कुमुदिनी अवध सरौ रघुपति विरह दिनेश अस्त भई विकसत भई निरखि राम राजेश। तब स्त्रियाँ कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है, नार कुमुदिनी स्त्रियाँ कुमुदिनी हैं, अवध स्वर और अयोध्या जो है सरोवर है, रघुपति विरह दिनेश और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य, दिनेश माने सूर्य। तब ऐसे वातावरण में तुलसीदास जी ने जो हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, अस्त भई विकसत भई, इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी और निरखि राम राकेश, अब उस विरह रूपी सूर्य के अंत होने तक श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र निराकर खिल उठे हैं, उनकी वास्तविक स्वरूप उनका सामने आ रहा है, सब लोगों में अपार सुख की का अनुभव हो रहा है, आत्मानुभूति हो रही है। ऐसी नारी कुमुदिनी अवध सरौ, स्त्रियाँ कुमुदिनी के समान लग रही हैं और अवध सर अयोध्या सरोवर के समान लग रहा है और विरखि दिनेश श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। और इस अस्त भई विकसत भई,
इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई हैं और अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्र की निरख कर खिल उठी हैं, ऐसा अपार दृश्य दिखाई देता है। ऐसे आभामंडल का वर्णन तुलसीदास जी बड़े रामचंद्र जी के स्वरूप का जो वर्णन हो रहा है और उस समय की प्रकृति की छटा और स्त्रियों की सुंदर बेला, अयोध्या के सरोवरों की बेला और श्री रघुनाथ जी के विरह का विरह रूपी जो सूर्य था, वह विरह सूर्य ताप से किस प्रकार से लोग मुरझाए और विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सब पर विजय प्राप्त कर ली तो श्री राम रूपी पूर्णचंद्र निखर कर सामने आया और वह खिल उठा, वास्तविक भावों का संचार होने लगा और राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो गई। हो सगुन शुभ विविध विधि बाजे मगन गगन निशान, अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे, यानी सुंदर भावों का संचार प्रत्येक मानव के अंतःकरण में, शुचिता का वातावरण, शुचिता प्रवेश हो रही है, अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। हो सगुन शुभ विविधि विधि बाजे गगन निशान, आसमान में नगाड़े बज रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के विजय के रूप में अयोध्या में प्रवेश होना, अयोध्या के पूरे जन जन और वहाँ की प्रजा जिस प्रकार के अपार हर्षोल्लास की भावनाओं से सुसज्जित हो गए हैं, उसका तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। पूर्ण नर नार स्नाथ करी, और जितने भी नगर के पुरुष और नारियां स्त्रियां हैं, यानी परमात्मा की साधना में सशक्त जितने भी लोग, जितने भी साधक उनकी प्रेम भक्ति में आसक्त हैं, दर्शन द्वारा कृतार्थ की अनुभूति कर रहे हैं, उनको उनका जीवन धन्य हो गया, हमेशा के लिए वह इस जीवन में परमार्थ को प्राप्त कर गए और इसीलिए वे पहले यानी अनेक प्रकार के सुख शकुन इसलिए होने लगे और शुचिता का वातावरण हुआ, परिदृश्य बड़ा सुहावना हुआ, आसमान में देवताओं ने अनेक प्रकार से नगाड़े बजवाए और नगर के स्त्री पुरुष जो है आपस में मिलकर के दर्शन परमात्मा के साक्षात दर्शन को प्राप्त करके दर्शन लाभ उठा करके अपार हर्ष की अनुभूति करें, अपने अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चिंतन कर रहे हैं और सभी दुख दारिद्र कष्ट कठिनाइयों परेशानियों से अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, सुखमय और भक्तिमय जीवन और स्नेह की के भावों से अपने आप को सजो रहे हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में अयोध्या का अयोध्या की शुचिता और अयोध्या का वातावरण परिवेश किस प्रकार से परिवर्तित होता है। करी भवन चले भगवान, भगवान श्री राम जी महल को चले गए, ऐसा वातावरण देख करके, अपनी छटा को देख करके, अपने साकार अवतार को देख करके, मानव जीवन को यानी पूर्ण रूप से भाव भीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके और मानवता के भावों को का संचार करके, मानव अवतरण में विराजमान होकर के लोक कल्याण के लिए अयोध्या के पूरे जो उनके सखा थे, जो वहाँ की प्रजा थी, जो रात दिन उनकी भक्ति में लीन रहते थे, उनके मन में, मन वचन और कर्म में, वाणी में शुचिता का समावेश हुआ, अच्छे भावों का संचार हुआ, ज्ञान रूपी भक्ति का जागरण हुआ और मन में राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गई सब सुखा, यानी सभी लोग
मन वचन और कर्म से अपने भावों से अनेक प्रकार के सुख की अनुभूति करने लगे। सारे कष्ट दुख दारिद्र और जो भी उनको परेशानी थी वह हमेशा के लिए उनका अंत हो गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से जितनी भी प्रजा थी जो रामचंद्र के वनवास के समय आतुर थे, परेशान थे और भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर थे, उनको दिव्य दर्शन इस प्रकार दिखाई दिए। पूरा परिवेश अयोध्या का बदल गया और भगवान श्री रामचंद्र ने तब सुचिता और सबको साक्षात रूप में दर्शन दिखा करके और अपने महल को चले गए। ऐसा वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में आते हैं, सभी प्रजा से, अपनी माताओं से, गुरु बंधुओं से, भाइयों से आपस में मिलन होता है। उसके बाद जो है वहाँ की प्रजा किस प्रकार का सुख का अनुभव करती है, उन्हीं भावों को, शुचिता के भावों को और राम राज्य की स्थापना से मानव जीवन में कितना परिवर्तन होता है। त्रेता युग में जिस प्रकार के रामचंद्र ने मानव रूप में अवतीत होकर के अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया, उन्हीं लीलाओं के परिणाम स्वरूप सभी के जीवन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई और जीवन में निरंतर परिवर्तन के भावों का संचार हुआ। वो रामचरितमानस के पठन पाठन से दोस्तों हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारा मार्ग ठीक होता है, हम सत्य निष्ठा के साथ कार्य करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के मर्यादित और संस्कारिक और आदर्श भावों का संचार प्रत्येक मानव के जीवन में होता है, जो हमारे जीवन को अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है और हम इस संसार के भवबंधन से मुक्ति होकर के साकार जीवन की यापना करते हैं, कल्पना करते हैं, उसके सपने देखते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के भाव प्रदर्शित करते हैं और ब्रह्म में लीन होकर के अपने भावों को भावों से शुद्धिकरण का आभास करते हैं और पवित्रता के मानकों में खड़े उतरने का यही बड़ी सोपान है, यही बड़े भाव हैं, यही रामचरितमानस का सबसे दिव्य स्वरूप है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक सबको धन्यवाद, सबको आशीर्वाद, सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार।